दरभंगा जिला के बिरोल अनुमंडल के गौरा बोराम प्रखंड के भुसकोल गांव में शुक्रवार को KBPL कंपनी का राधा कृष्ण फ्यूल सेंटर बायोपंप का उद्घाटन दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर, विधान परिषद सुनील चौधरी, KBPL कंपनी के निर्देशक शिवशंकर विक्रांत, भाजपा जिला अध्यक्ष जीवा सहनी, जिला परिषद उपाध्यक्ष ललिता झा, जिला पार्षद छेदी साहू, प्रमुख ममता देवी व राधा कृष्ण फ्यूल सेंटर के प्रोप्राइटर सुजीत कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से विधि विधान से पूजा अर्चना कर नारियल फोड़कर भव्य उद्घाटन किया। वहीं बायो पंप का उद्घाटन करते हुए सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एवं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह सूरी ने ग्रीन ईंधन को बढ़ावा देने के लिए संकल्पित है और आने वाले समय में ग्रीन ईंधन का उत्पाद करने वाला भारत विश्व का सबसे बड़ा देश होगा और वहीं बायोफ्यूल को उपयोग करने से वायु प्रदूषण में कमी भी आएगी। वहीं समारोह को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि बायोफ्यूल्स का उपयोग पूरा विश्व कर रहा है। ब्राजील में विदेश से आयातित कच्चे तेल बंद है, अमेरिका बायोफ्यूल से हवाई जहाज चला रहा है। वहीं अपनी बातों को रखते हुए दरभंगा विधान पार्षद सुनील चौधरी ने कहा कि बायोफ्यूल्स को अपनाने से देश के किसान मजबूत और समृद्ध होंगे, वहीं देश में खुशहाली होगी और लोग बीमार भी कम पड़ेंगे। वहीं पंप का उद्घाटन करते हुए KBPL के निर्देशक शिवशंकर विक्रांत ने कहा कि बायोफ्यूल्स प्रदूषण मुक्त फ्यूल है और सस्ता भी है। इस फ्यूल में वेलिसिटी का पावर अधिक रहने के कारण इंजन में घर्षण कम होता है और कंपन भी कम होती है। वहीं देश में प्रदूषण को समाप्त करने पर खरा उतरने वाली एकमात्र बायोफ्यूल्स कंपनी है। वहीं उद्घाटन समारोह में उपस्थित भाजपा जिला अध्यक्ष जीवा सहनी, जिला परिषद उपाध्यक्ष ललिता झा, जिला पार्षद छेदी साहू, प्रमुख ममता देवी, मंडल अध्यक्ष महावीर प्रसाद, जिला किसान मोर्चा अध्यक्ष विक्रांत मणिकांत मिश्र, माधव चौधरी, जिला प्रवक्ता मणिकांत झा, विनय पासवान, रंजीत झा एवं इस अवसर पर राधा कृष्ण फ्यूल सेंटर के प्रोप्राइटर सुजीत कुमार सिंह, अजय कुमार सिंह, सत्येंद्र नाथ सिंह, अमरेंद्र कुमार सिंह, शशि भूषण सिंह, अशोक सिंह, सुजीत कुमार सिंह, शंकर सिंह, प्रेम सिंह धन्यवाद ज्ञापन किया और उन्होंने मौके पर KBPL के बिहार के HR निखिल कुमार, उत्तर प्रदेश के HR राजीव जायसवाल, झारखंड के HR राहुल कुमार, मैनेजर संसांग शेखर सहित कई अन्य लोग भी वहां पर मौके पर उपस्थित रहे। आज देख रहे हैं कि समय के विपरीत परिस्थिति में जो जलवायु परिवर्तन के कारण और वायु प्रदूषण के कारण जो 63% लोग बीमार पड़ रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में वायु प्रदूषण को समाप्त करने के लिए पूरा विश्व गोलबंद हो चुका है और वायु प्रदूषण को समाप्त करने के लिए ग्रीन ईंधन का उपयोग कर रहा है। ग्रीन ईंधन में बायोफ्यूल, CNG, इलेक्ट्रिक, एथेनॉल और ग्रीन हाइड्रोजन। आज अमेरिका इतना विकसित हो चुका है कि बायोफ्यूल से हवाई जहाज चला रहा है, जर्मनी ग्रीन हाइड्रोजन से रेल चला रहा है और अपने भारत में मात्र 25% बायोफ्यूल के उपयोग से हवाई जहाज चलाया जा रहा है, रेल में 100% बायोफ्यूल का उपयोग हो रहा है। अभी जो आप जो तेल ले इससे पहले यूज कर रहे थे उसमें पहले से 5% बायोफ्यूल का मिश्रण करके दिया जाता था, उसके बाद 9.5% बायोफ्यूल का मिश्रण करके देना शुरू किया। बायोफ्यूल से जो लो ग्रेड होता है इथेनॉल, अब इथेनॉल 10% पहले मिश्रण करके दिया जाता था, अब 20% इथेनॉल को मिश्रण करके दिया जाता है। बायोफ्यूल के उपयोग से सबसे बड़ी बात है कि इसमें प्रदूषण रहित यह तेल है, प्रदूषण नहीं होता है और 63% लोग जो बीमार होते हैं वो प्रदूषण के कारण होते हैं। दूसरा, यहाँ सुदूर इलाके में पंप खुलने से किसानों को, खासकर जो ट्रैक्टर है या जो भी वाहन है उसको ये राहत है कि ये 2 रुपये लीटर सस्ता मिलेगा और बायोफ्यूल जो बायोडीजल जो बनता है उससे, वो है गन्ना से, मक्का से, टूटा हुआ चावल से, जेट्रोफा के बीज से, और ये सब किसान को बेनिफिट मिलने वाला है और किसान समृद्ध होंगे तो देश खुशहाल होगा। आपका परिचय शिवशंकर विक्रांत, डायरेक्टर KBPL। हम ये कहना चाहते हैं जितना लोगों को कष्ट था दूर से डीजल लाना, डीजल महंगा होना,
डीजल में कचरा होना, ये सब उन लोग को परेशानी था, उसको अब नहीं जूझ पाए। अच्छा से लें और सस्ता भी लें और स्वच्छ भी लें, अपना यूज करें। मैं सुजीत कुमार सिंह प्रोपराइटर KBPL सर की असीम कृपा से मिला है, इनके आशीर्वाद से मिला है, इनको संभाले अच्छा से। ऐसा आप लोग शुभकामना कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, जो हम इसमें खड़े उतरें और अच्छा से करें।